राइट, सो हे गाइस, व्हाट्सअप है, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैंने बोला था, एक बार लॉकडाउन खुल जाए फटाफट एक रोड ट्रिप के लिए निकलेंगे। तो आज फाइनली हम लोग ने एक रोड ट्रिप प्लान किया है और 2 दिन का रोड ट्रिप होने वाला है। तो आप लोकेशन देखोगे तो आप बोलोगे भाई क्या है, मतलब बहुत ऑसम वाला रोड ट्रिप होने वाला है। वीडियो को पूरा देखो, आप लोग पूरा एंजॉय वाला, फुल एंजॉय वाला ब्लॉग होने वाला है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोग निकल गए और आज हम लोग जा रहे हैं लोनावला। और हम लोग को आज ज्वाइन किया है वरुण भाई, हेलो, ये निखिल और ये विशाल और भी लोग हैं जो दूसरे गाड़ी में आ रहे हैं। तो सब साथ में चल रहे हैं, पूरा सफ़र का मजा लो एकदम। तो लेट्स गो। तो अभी हम लोग रुके यहाँ पे लोनावला में नाश्ता करने के लिए। और व्यू तो देखो यार, पूरा फॉग है, मतलब जिधर नज़र जा रही है उधर पूरा फॉग ही था। और भाई क्या सही लग रहा है। तो चलो अंदर, ये लोग तो लग भी गए नाश्ता करने में, तो फटाफट नाश्ता करते हैं और अभी घूमना है। तो चलो अभी हम लोग नाश्ता करके तो निकल गए और अभी मैं दूसरे ग्रुप के साथ आ रहा हूँ। ये है तुषार भाई, ये है नीलेश और ये है तुषार, और वो जो पीछे सोया है वो है प्रतीक, और बाकी के जो पहले दिख रहे थे पब्लिक वो सब आज सामने की गाड़ी में। तो दोनों साथ में चल रहे हैं और बारिश तो बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बट इसके लिए तो आए थे हम लोग। देखो बाहर व्यू देखो यार, पूरा फॉग है, देखो ना कुछ दिख रहा भी नहीं आ रहा है, लिटरली मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऑल राइट, सो पता नहीं इधर कैसे मेरा माइक डिसकनेक्टेड हो गया था, मेरा वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। बट इधर मेरे को जितना याद है, हम लोग यहाँ पे रुके थे फोटोशूट करने के लिए, क्योंकि बारिश हल्का हल्का सा था और व्यू बहुत ऑसम मिला था। और हम लोग को तो ये लोकेशन भी पता नहीं था कौन सा था, बट खोपोली के लोनावला के बीच में घाट में था ये प्लेस की तरफ। तो इधर हम लोग रुके थे, इधर थोड़ा हम लोगों ने रील्स वगैरह निकाला, फोटोज़ निकाले और बस व्यू का मज़ा लिया। फिर ऊपर से पूरा खोपोली दिख रहा था, नीचे देखो आप लोग पूरा खोपोली दिख रहा है नीचे से। मतलब देखो ना यार, व्यू तो देखो, ऊपर भी पूरा फॉग था, पीछे बैकग्राउंड देखो यार, मतलब उधर बारिश नहीं होती ना तो बहुत सही लगता था और ज्यादा फोटो शूट करने मिलता था। मगर बारिश का मौसम, ऑब्वियसली बारिश तो होगी, और ऊपर देखो यार कितना नीचे तक फॉग आ गया था, बहुत सही। सब सामान लेने गए क्या? पहले विला देख के आते, फिर उसके बाद में सब सामान वगैरह ले लेंगे। फटाफट जाके विला देखते कैसा है क्या है, और सबसे मेन चीज़ भाई स्विमिंग पूल देखना है सबसे पहले, फिर बाद में पूरा विला देखेंगे। और बारिश भी स्टार्ट हो गई है तो चलो फट जल्दी जल्दी। सो
फटाफट चेंज करता हूँ, पहले देखता हूँ अंदर जाके विला कैसा है क्या है, और उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ। तो चलो, आप लोगों को एक बार फार्म हाउस दिखा देता हूँ पूरा। ये देखो इधर पब्लिक, ले क्या खाए बोले। और इधर का एक रूम, और इधर एक ये हमारा है, इधर से विंडो दिखा देता हूँ। इधर तो कंस्ट्रक्शन चालू है, मगर ये जगह बहुत सही है, फुल नेचर वाइब्स। इधर स्विमिंग पूल सॉर्टेड। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आप लोगों को यह ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और ये ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत बड़ा बन जाएगा ब्लॉग। तो नेक्स्ट पार्ट में शायद मैं इसका पार्ट और एक बनाऊंगा जरूर। तो दैट्स इट, आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग इतना अच्छा लगा होगा। तो इस ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन दिस इज अबाउट साइनिंग ऑफ।